हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक और नया टॉपिक जो बहुत ही ख़ास है आपके पौधों में। आप देख रहे होंगे गुड़हल पे पौधों में चींटियाँ बहुत आ रही हैं। बारिश हुई है, इससे कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें पौधों में बढ़ गई हैं। तो आज हम इन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही छोटी चीज़ से ये लगा लिए कि 5 रुपये में आपको इतनी मिल जाएगी ये चीज़ कि आप अपने 20-25 गमलों में आराम से 5 रुपये की इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए फ्री में ही मान लीजिए इसे आप। तो इसका बस आप ध्यान इतना रखना है कि इसे सिर्फ आपको मिट्टी में यूज़ करना है, आपको स्प्रे बिल्कुल भी कभी भी इसका नहीं करना है, चाहे मौसम कोई भी हो। इसे आप फ्लावरिंग प्लांट पे, फ्रूटिंग प्लांट पे और अपने इंडोर प्लांट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये जो चीज़ है, ये है फिटकरी। तो ये लगभग 1 रुपये की इतनी सी फिटकरी है और मैं इसे अपने कई सारे 4-5 गमलों में मैं इसे दे सकती हूँ। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा सा पॉट है। इसे मैं बताऊँगी कि आप 3 तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। वो मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, गीली है, सूखी है या किस तरह की मिट्टी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी मिट्टी जो है वो गीली है, तो मैं इसे सिंपली ऐसे ही तोड़ के, तो मैंने उसे फिटकरी को इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका लिक्विड आपको कैसे बनाना है। 1 लीटर पानी में लगभग इतना बड़ा टुकड़ा आपको 5 मिनट के लिए डाल देना है और फिर उसे निकाल लेना है। निकालने के बाद भी आपको सेम यूज़ करना है जो मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ। तो मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो गीली है, तो मैं इसे इस तरह से मिट्टी में रख देना है या गाड़ देना है। तो मेरा गमला काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे लगभग आधे से ज़्यादा इस गमले में यूज कर लूँगी। इसमें मेरा गुड़हल का प्लांट भी लगा हुआ है। गुड़हल में तो बहुत ही अच्छा इसका यूज़ होता है, गुड़हल के पौधे में तो बहुत ही अच्छा यूज़ रहता है इसका और गुलाब के। जिन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। इसे आपके पौधों में चींटियाँ नहीं आएंगी और ये सॉइल को एसिडिक बना देगा। एसिडिक होने से सॉइल आपका पौधा मजबूत हो जाएगा और आपके गुड़हल पे मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से आपको डाल देना है। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपको रिज़ल्ट मिले इसका, इससे थोड़ा स्लो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, तो आप इसका पाउडर बना लें और लगभग 1 चम्मच 12 इंच के गमले में डाल दें। और तीसरा तरीका आप इसे पानी में डाल दें और 5 मिनट के लिए डाल के रख दें और फिर निकाल लें। तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं और पानी में डली हुई फिटकरी जो बाद में बचेगी उसे आप इस तरह से ही अपने गमले में जैसे मैंने रखा है गाड़ सकते हैं। तो इस तरह आपके पौधों को पे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही कारगर उपाय है ये, 100% आपको इसके रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने में मिल जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, इसे सिर्फ मंथ में एक बार ही यूज़ करना है, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। और ध्यान रखें कि 4-5 दिन पहले आपने कोई फर्टिलाइज़र ना दिया हो, और कोशिश ये करें कि 4-5 दिन तक कोई फर्टिलाइज़र ना दें। तो फ्रेंड्स, ये थे फिटकरी के कुछ उपाय जो आपके पौधों के लिए बहुत ही कारगर हैं। कुछ पौधों में मैंने अपने इसे दे भी दिया है। तो इस तरह इस बरसात के मौसम का फ़ायदा उठाएं और अपने पौधों को हेल्दी बनाएं इस तरह से, फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, आज थी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।